आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइडेंटिफाई द वेक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फीवर। पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर ऐसा है जो कि येलो फीवर कॉज करता है। तो बेसिकली येलो फीवर का अगर बात करें तो ये एक ऐसा डिजीज होता है जिसको कि हम लोग एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिजीज कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ यहाँ पे अफेक्टेड होता है, तो बेसिकली यहाँ पे अफेक्टेड होता है जो हमारे लिवर के पिगमेंट्स रहते हैं, यानी जो बाइल रहता है। और बाइल में जो पिगमेंट होता है बिली रूबिन के नाम से, ये बिली रूबिन जो है ये एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक येलो कलर का पिगमेंट होता है और इसका एक्सेस अमाउंट होने की वजह से पूरा बॉडी जो है वो एकदम से येलो हो जाता है, आई साइड्स भी। और इसीलिए कहा जाता है इसको एक येलो फीवर। तो बेसिकली ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस जो है ये बेसिकली एक ऐसा वैक्टर है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। वाइक्यूलेक्स का बात करें तो ये डेंगू को कॉज करता है इन द ह्यूमंस। और वही एडीज का बात किया जाए तो एडीज एक ऐसा मॉस्क्यूटो है जो कि पर्टिकुलरली येलो फीवर के वायरस या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको लेके आते हैं और एज अ वेक्टर काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एडीज है वही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर रैट का बात करें तो रैट जो है ये एक पेस्ट हिसाब से कंसिडर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें दूसरे टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो पाए जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हे जो यहाँ पे एडीज है वो सिर्फ येलो फीवर के लिए ही जाना जाता है, तो इसलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन को ही यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।